नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जो सभी आपके लिए वन डे एग्जाम के लिए जरूरी रहेंगे। वन डे एग्जाम कहने का मेरा मतलब यहाँ ये रहता है कि जैसे आपका SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, UPA में आप देखते हैं यूपी में शिक्षक के लिए TET, MP में भी होता है, MP में व्यापम होता है, उसमें भी आप देखते हैं। तो वन डे एग्जाम का कहने का मतलब होता है कि वन लाइनर, आप देखते हैं वन लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया, उसके चार ऑब्जेक्ट दिए गए। इसे ही हम लोग इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस भी परीक्षा में, उसे हम लोग वन लाइनर यानी कि वन डे एग्जाम कह देते हैं सामान्य तौर पर। और सिविल सर्विस की अगर बात करें तो उसके भी हम लोग मॉक टेस्ट आपकी शुरू की कर दिए हैं, और आप देखते हैं उसमें एक मतलब कथन दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि एक बहुत लेंथी क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर हम लोग 10 क्वेश्चंस लगाते हैं तो यहाँ तक मानिए आप लोग कि 30 तरह के हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि इतने विस्तार से बता दूंगा आपको। तो याद रखिए हमेशा बुक्स आप लोग एक ही पढ़िए, लेकिन जितने अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे। क्योंकि कम से कम आपको पता तो रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलते हम लोग तीसरा टेस्ट देखते हैं, और याद रखिए जो आपके दो टेस्ट खत्म कर दिए गए वो मॉक टेस्ट 4 वन डे एग्जाम के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। इससे संबंधित अगर कोई आपके मन में भी विचार हो, इसमें सुधार करने की बात हो, ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आप बताइए। अगर सुझाव है कोई आपका तो उसे हम लोग देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमें एक परिवार की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भारत में? तो आप सभी जानते हैं बेलन घाटी से। कहाँ से? बेलन घाटी। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसमें आप देखेंगे कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। ये स्थल आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से आपको ऊँटों की हड्डियां भी देखने को मिली हैं, जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में निघंटता निपुत किसे कहा गया है? तो यह है महावीर स्वामी। आप सभी लोग जानते होंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। जो आपकी मैंने लूसेंट कवर की हुई है या फिर करण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की हुई है पूरी, उसमें बड़े विस्तार से पढ़ाया गया है ना। याद रखिए, मुझे लगता है किरण सामान्य ज्ञान को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका वन डे एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ना बन पाए, क्योंकि बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो उसे आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्य कहा जाता है? आप जानते हैं समुद्रगुप्त को। डी, किसे? समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त था ये चंद्रगुप्त का बेटा था, गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी जो लिच्छवी राजकुमारी की पुत्री थी उनका बेटा था, इसी कारण इसे लिच्छवी दोहित यानी कि आप कहिए कि लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र कहा जाता है। आप कई बार नहीं देखते हैं कि माँ के नाम पर, माँ के परिवार के नाम पर कभी बेटे का नाम दर रख दिया जाता है, तो यही इसके साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो ये था संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना था, और राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि ही हुआ करता था इस समय। मौर्य काल में क्या था? प्रमुख स्रोत कृषि ही था।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों यानी कि सोने के सिक्के की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो व्यापार में गिरावट आई थी इसमें, डी ऑप्शन सही है। और व्यापार में देखते हैं आप लोग कि इसी समय अकाल का कारण भी व्यापार में गिरावट आई थी, यानी कि अकाल के कारण व्यापार में मंदी आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अष्टमय स्थान कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से अष्टमय स्थान कौन सा नहीं है? तक्षशिला, लुम्बिनी है, राजगृह है, कुशीनगर है, लेकिन तक्षशिला नहीं है, इसमें डी होगा। याद रखिए इसमें महात्मा बौद्ध से 8 स्थान जुड़े हुए हैं, इन्हें ही क्या कह देते हैं, अष्ट महा स्थान या अष्टमय स्थान। कौन कौन से हैं 8 स्थान, याद रखिए, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकास, राजगृह, वैशाली, ठीक है, ये 8 स्थान। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तृतीय बौद्ध संगीति किसने किसके काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक के, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ये अशोक के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय? मोगलीपुत्र तिस। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कि कहने का मतलब, जो गौतम बुद्ध साहब थे इन्हें किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष, क्या है, पी ऑप्शन। और याद रखिए इन्हें एक बट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? यानी कि जो सिद्धार्थ थे, जिन्हें जाके बाद में आप लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, इनका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? राहुल, ए ऑप्शन सही है, क्या है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? भारत का। जब हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों में देखेंगे तो भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष है। भारतवर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं भारत को, नाभि वर्ष के नाम से भी जानते हैं। पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर इसका नाम नाभि वर्ष पड़ा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए इस तरह के आपके सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस बन जाते हैं, और आप लोग उसे भी देख लिया करिएगा क्योंकि उससे आपकी जीएस और मजबूत होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपका विस्तार से पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। सही है, कराईकल अम्मा अम्मा यार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये भी आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन आपकी, एक कथन भी सही है और दो कथन भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई भी जाती थी। इसके अलावा कराईकल अम्मा यार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। दोनों कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे? आप सभी लोग जानते हैं अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने महामात नियुक्त किए थे, और इसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से हमें मिलती है।
श्रीलंका की आप सुनते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र संगीमिताओ महेंद्र को भेजा था, ठीक है, बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए, बुद्ध धर्म के। याद रखिए, अशोक को अशोक की योद्धों के कारण जितना नहीं जाना जाता है, जितना बौद्ध धर्म के कारण उन्हें जाना जाता है। उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी, बायोग्राफी आपकी पूरी कवर की हुई है, तो आप उसे देखते रहिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्ट नैमी। बी ऑप्शन सही है। इनका वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। अगर हम जैन धर्म के पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और 24वें बात ही कर चुके हैं, महावीर साहब 24वें थे। अगला क्वेश्चन है, मातनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मातनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? सातवाहन। सातवाहन मातनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा आपके सातवाहन शासकों के समय से ही शुरू हुई है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था, जिसने अपनी माता थी उनकी गौतमी, नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से रखा था। यानी कि पहले अपनी माँ का नाम, उसके बाद अपना नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये सभी प्रथा आपकी सातवाहन शासकों के समय से ही शुरू हुई थी। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? चोरी। किसमें? चोरी करने के लिए। मनु महाराज मनुस्मृति की रचना की थी इन्होंने। किसने? मनु महाराज ने। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसने दिया था? राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार आपने देखा होगा कि गौतम साहब ने दिया था। जो धर्म सूत्र है गौतम साहब का, उसी इसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। और जो धर्म सूत्र है इसकी, गौतम धर्म सूत्र, इसकी रचना गौतम ऋषि ने की थी। गौतम धर्म सूत्र हिंदू धर्म के चार धर्म सूत्रों में से सबसे प्रामाणिक भी है और श्रेष्ठ भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोल राजा ने मालदीप को जीता था? किस चोल राजा ने मालदीप को जीता था? ये थे आपके राजराज। ए ऑप्शन सही है। राजराज चोल चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्री सेना की बात करें तो 12,000 के करीब इसकी समुद्री सेना थी। उसने श्रीलंका और मालदीप को भी जीतकर अपनी समुद्री शक्ति, यानी कि आप समझ सकते हैं नौसेना का परिचय दिया। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का, कहाँ का? दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पद्रुम की रचना किसने की? द्रुम की रचना किसने की थी? यह है आपके लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ये आपके गहड़ जो गढ़वाल वंश था, इसके मंत्री थे लक्ष्मीधर। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा की अगर बात करें तो गोविंद चंद था, और अंतिम राजा जयचंद था, जो आपने सुना होगा कि मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये था आपका जेम्स प्रिंसेप। ये आपका इंग्लिश विद्वान था, ये जेम्स प्रिंसेप। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ था, वो उसके सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? तो ये थे सातवाहन।
इसी समय से लगभग आपका शुरू होता है इस तरह की प्रथा। और जो सातवाहन थे ये खुद भी ब्राह्मण जाति से ही आते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 भाग कर लगाने की जानकारी दी? लुम्बिनी। अपने सिंहासन पर बैठने के 20वीं वर्षगांठ में अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया। केवल 1/8 भाग यहां से हिस्सा कर योग्य रूप में घोषित किया, यानी कि कर के रूप में। इस तथ्य का वर्णन आपको निगलिवा और रुम्मनदेही जो शिलालेख हैं अशोक की, इसी में देखने को आपको ये जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये आपके यजुर्वेद, किसके? यजुर्वेद के। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के डोलबीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? इसे धौलावीरा भी कहते हैं, ठीक है, डोलबीरा या धौलावीरा। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके शहरों को कितने? 3 भागों में। सिंधु घाटी का जो शहर है धौलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित था। इसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। सी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? कौन कौन से थे? अवंती? नहीं। गंधार? नहीं। कौशल, मगध, ये दोनों थे, यानी कि 3 और 4। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन। अवंती और गंधार राज गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। कौन कौन से? अवंती और गंधार। इसके अलावा देखेंगे आप लोग कि कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के से प्रत्यक्ष संबंधित रखता है। ठीक है, तो कौशल और मगध। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस पॉइंट को यहाँ सत्य असत्य के बारे में भी ध्यान से देख लिया करिएगा, क्योंकि इसके कारण भी कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन हमें बताना है। मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, कई अनाज की खेती, कृषि आधारित समाज, वेतन की अधिकता। तो वेतन की अधिकता इसमें गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। को असत्य पूछा है तो इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे आप लोग? डी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया? चरण। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत विकास की रचना किसने की? तो ये थे वररुचि। सी ऑप्शन सही है। वैसे इसकी बताऊं कि इसकी तिथि अभी तक ज्ञात नहीं है, समझ रहे हैं कि कब लिखी गई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मैगस्थनी द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन हमें चुनना है। क्या चुनना है? गलत कथन, सत्य नहीं है। भारत में पिचो सोना, चांदी और तांबा और लोहा है, एक सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ये भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये आपका गलत है। डाइनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? सी, तीसरा कथन, यानी कि सी ऑप्शन गलत है।
प्राचीन भारत काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यह प्रचुर वर्षा के कारण यानी कि काफी वर्षा होने के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो ये था आपका साइलेक्स। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया और उसे दोरियस नामक राजा ने भेजा था। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं, इस समय नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सी, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो ये था मोगा। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य भी बनाया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टेट गोच की नियुक्ति किसने की थी? स्टेट गोच की नियुक्ति किसने की थी? यवन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। स्टेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था, सेना अध्यक्ष को। क्वेश्चन है हमारा, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ईसा पूर्व में, तो ये था आपका डेमेटियस। ए ऑप्शन सही है। इसने मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा इलाका भी जीत लिया था इसी समय जब इसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई थी? तक्षशिला। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यमन राजा था और अपनी इसने राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो ये था हेलियो डोरस। ग्रीक राजदूत था हेलियोडोरस। विदिशा में आपने देखा होगा कि सुंग राजा विष्णु के सम्मान में इसने स्तंभ बनवाया था। और इसे किसने भेजा था? ग्रीक राजा जो भागभद्र थे उस समय, उन्होंने इसे भारत भेजा था। क्वेश्चन है हमारा अगला, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने सबसे पहले जारी किए? तो यवन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के आपको यवन राजाओं के समय भी जारी किए गए, यानी कि इनका श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, यवन राजाओं को। क्वेश्चन है हमारा, बेहद कथा की रचना किसने की? इथे गुणनय। ए ऑप्शन सही है। ए राजा हाल के राजकवि भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो एक आपका नासिक इनसे संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था कि माँ ने बनवाया था, गौतमी ने। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मार्ग मान मर्दन करने वाला बताया गया है, यानी कि बहुत इसकी मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा देते हैं, यही किया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? तो ये था राजा हाल। कौन था? राजा हाल। ये आपका प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। आप समझ सकते हैं कि उस समय भी प्रेम कथाएं चलती थी। किस राजा, अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो ये था कुषाण। ए ऑप्शन सही है। उसके जो उत्तराधिकारी हुए, देवपुत्र की उपाधि इन्होंने अपनाई, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। यानी कि आप समझ सकते हैं भारी भरकम यहाँ इस समय उपाधियां धारण करते थे। कुछ राजा तो ऐसी उपाधियां धारण करते थे कि इनके नाम से ही लोग डर जाते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए वो रखते थे कि उनका नाम भारी भरकम लगे। महासंधि संघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? वैशाली। कहाँ? वैशाली में। वैशाली में संपन्न जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई, तो इसमें थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाली भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग जो भिक्षु हुए उसने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंधित घोषित किया, और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संधित यानी कि हीन शाखा कह देते हैं सामान्य तौर पर, जिसमें कलांतर में आप लोग महायान और हीनयान का रूप धारण किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हीनयान और महायान में बांट दिया था बौद्ध धर्म आगे चलकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है? क्या पूछ रहा है? सही है साक साक कपिल वस्तु। सही है, कपिल वस्तु में क्षत्रियों के साक जो वंश के राजा थे सुद्धोदन ये राज्य करते थे, और उन्हें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी उन्हीं के घर में। ठीक है, वही क्वेश्चन है हमारा, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? तो एक चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। इनके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बायोग्राफी कवर की हुई है, इनकी पूरे मतलब इनके बारे में जाना है कि कितने महान विद्वान, अर्थशास्त्री, आप कह लिए शिक्षक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में इन्होंने महानता हासिल की हुई थी। आप समझ सकते हैं कि एक निम्न जाति के लड़के को उठाकर किस तरह से इन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया, पूरा बात किया गया है। ठीक है, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? ये थे वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही आपका पार्श्वनाथ जिनका नाम था, पार्श्वनाथ अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, और माता का नाम वामा देवी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? अलारा कलाम, उद्दक रामपुत, मक्खिली गोसाल, निगंथा नाटापुत। तो पहले और दूसरे ये दोनों किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। जो अलारा कलमा है और उद्दक रामपुत गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा या कलाम भी बोलते हैं, कह देते हैं, एक ब्राह्मण संत थे और दार्शनिक भी थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ भी थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों में से एक थे। इन्होंने उन दोनों से, यानी कि गौतम बुद्ध ने इन दोनों से योग साधना भी सीखी थी। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है,
निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? कौन सी है? साकल। डी ऑप्शन सही है। इसकी दो शाखाएं हैं वैसे ऋग्वेद की, कौन कौन सी? साकल, दूसरी वास्कल। साकल और दूसरी वास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो यह है रुद्रदामन। अभी आप देखेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख आपका गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने ही कराया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित की गई थी सुदर्शन झील। आगे चलकर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? यह हुई थी कनिष्क की। किसकी? कनिष्क की। एक कुषाण शासक का राजा था कनिष्क। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने की थी अध्यक्षता। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबारी कवि भी थे। इन्होंने, आपने देखा है कि बुद्ध चरित की रचयिता भी रहे हैं। ये कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ये आपका था कुषाण काल का। ए ऑप्शन सही है। आप भी जानते होंगे कि मथुरा जो थी ये दूसरी कनिष्क की दूसरी राजधानी भी रहा है, ठीक है। और कनिष्क कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा है, महान राजा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे और भी लगाते रहेंगे। तो तीन टेस्ट आपके ख़त्म हो चुके हैं, आगे भी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और याद रखिए, अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, जवाब है, या कोई सुधार करने की बात की जा रही है तो आप बताइए, सुधार होता रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक परिवार की तरह पढ़ना है, एक दोस्त की तरह। आप जो आपको लगता है कि गलत है इसमें, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि सही आंसर बताया जाए, फिर भी आपको लगता है कि गलत है और कोई विस्तार से आंसर दे सकता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नए टेस्ट के साथ आगे।